हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। ये है एक ड्रिंक रेसिपी जिसे हम गर्मियों में पीते हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे हमें ठंडक मिलती है। ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ करे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बॉडी में ठंडक आती है, कमजोरी दूर होती है और भी कई तरह की जो भी दिक्कतें होती हैं गर्मियों में उन सबसे हमें छुट्टी मिल जाएगी। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। ये 2.5 कप दूध है, यानी आधा लीटर से हल्का सा ज़्यादा है। आप चाहें तो आधा लीटर भी ले सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत है तो आप 1 लीटर भी ले सकते हैं। इसे हम बॉयल कर लेंगे। तो जब तक ये दूध बॉयल हो रहा है हम बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं कि इस दूध में डालने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से ये एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा गर्मियों में। इस दूध को हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाने वाले हैं, स्पेशली गर्मियों के लिए। हमने यहाँ पर लिया है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जो होता है बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है गर्मियों में। और बादाम लिया है। बादाम जैसा कि आप सबको पता ही है एक मल्टीविटामिन का काम करता है और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फायदे पहुंचाता है हमारी बॉडी को। और इसके साथ हमने यहाँ पर ली है सौंफ। ये सभी चीज़ें मैंने रात भर भिगाने के लिए रख दी थी। बादाम मैंने यहाँ पर 15-20 लिए हैं, सौंफ मैंने 2 चम्मच ली है और गोंद कतीरा मैंने 1 चम्मच भर के लिया था, यानी 1 टेबल स्पून, जो कि फूलकर 4 चम्मच हो चुका है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कि ये पता नहीं होता है कि गोंद कतीरा क्या होता है। गोंद कतीरा और गोंद दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। जो गोंद होती है वो सर्दियों में खाई जाती है, क्योंकि जो गोंद होती है उसकी तासीर गर्म होती है, और जो गोंद कतीरा होती है ये गर्मियों में खाई जाती है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। गोंद हमारा इस तरीके से पैकेट में आता है, एकदम छोटा छोटा होता है और काफ़ी शाइनिंग वाला होता है। जो भी पंसारी की दुकान होती है या जहाँ पर भी इस तरह की आयुर्वेदिक चीज़ें मिल जाती हैं, कोई जनरल बड़ा स्टोर होता है, वहाँ पे आपको ये गोंद कतीरा और गोंद मिल जाती है। जहाँ पर आपको गोंद मिलती है वहाँ पर गोंद कतीरा भी मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आता है। इसका अगर आप एक बार एक पैकेट मंगा कर रख लेंगे तो पूरी गर्मियों ये आपका चल जाता है। जो गोंद कतीरा होता है इसका कोई भी स्वाद नहीं होता, बस ये टेक्स्चर देगा। इसका अपना कोई भी टेस्ट नहीं होता, इसलिए इसे कई सारी डिशेज़ में आप मिलाकर खा सकते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गोंद कतीरा गर्मियों में खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर किसी को कब्ज की दिक्कत है तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ऊर्जा को बढ़ावा देता है बॉडी में। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो इससे खाने से वो भी सही हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक से बचाता है। जैसे गर्मियों में हम लोग बाहर जाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाती है, लू लग जाती है, तो उन सब का खतरा नहीं होता है अगर इसे आप नियमित तौर से खाएंगे तो। वजन घटाने में भी मदद करता है क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है। महिलाओं में अनियमित पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है। देखिए इसमें शाइनिंग काफ़ी कम है और साइज़ भी इसका थोड़ा बड़ा होता है गोंद कतीरे का। चलिए बादाम को अब हम छील लेते हैं। बादाम खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। बादाम जो होता है वो हमें कैंसर से बचाता है। बादाम खाने से मस्तिष्क मजबूत होता है। भीगे हुए बादाम मांसपेशियों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सूखे और रोस्ट किए हुए बादाम के मुकाबले भीगे हुए बादाम में प्रोटीन का स्तर ज़्यादा होता है। प्रोटीन नई कोशिकाओं के निर्माण में मददगार होता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो चलिए अभी इन्हें हम छील लेते हैं। भीगे हुए बादाम में एंटीऑक्सीडेंट की अत्यधिक मात्रा होती है, इसलिए इसे खाने से बढ़ती उम्र का असर आपकी त्वचा और सेहत पर नहीं दिखेगा। आज के समय में डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ही आम हो चुकी है। भीगा हुआ बादाम अगर आप खाते हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। बादाम में उच्च स्तर का फाइबर होता है जो कि पेट की पाचन क्रिया में मददगार होता है। भीगा हुआ बादाम शरीर में बनने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। भीगे हुए बादाम में विटामिन ई का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि विटामिन ई त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बादाम में फॉस्फोरस भी होता है जो कि दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये थे कुछ फ़ायदे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और बादाम खाने के कई सारे और भी ज़्यादा फायदे होते हैं। तो ये बादाम हमने छील ली है, इसे अब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसको हमें पीस लेना है। अब बादाम के साथ ही हमने जो ये सौंफ भिगा कर रखी थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। सौंफ भिगाने के लिए मैंने 2 चम्मच सौंफ ली थी और 1/2 कप पानी लिया था। तो पानी सहित मैं इसे पीस लूँगी। जो सौंफ होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। जो सौंफ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, वज़न कम करने में हेल्पफुल होती है, सांसों की दुर्गंध को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करती है, कफ से निजात दिलाती है, मस्तिष्क के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इसके अलग अलग तरीके के फ़ायदे होते हैं। तो चलिए इसे अब हम पीस लेंगे। पीस के इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे।
जितना बारीक पेस्ट बन सके आप उतना बारीक पेस्ट इसका तैयार करें। तो ये देखिए बादाम और सौंफ का पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। इस पेस्ट को आप पूरे एक हफ्ते तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हम आइस जमाते हैं वहाँ पर इसे स्टोर करना है फ्रीज़र में। तो पेस्ट को अभी हम साइड में रखते हैं और दूध देख लेते हैं कि बॉयल हुआ कि नहीं। तो ये देखिए दूध अब अच्छे से बॉयल हो गया है। तो हमने जो पेस्ट रेडी किया है ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। पेस्ट को आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। जो इसमें सौंफ का फ्लेवर आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मीठापन के लिए आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिश्री ऐड करने वाली हूँ तो 2 चम्मच इसमें मैं मिश्री डाल दूँगी। ये मिश्री मैंने दरदरी कूट के लिए धागे वाली मिश्री। अगर ये आप डायबिटीज़ पेशेंट्स को देना चाहते हैं तो इसे बिना चीनी के भी दे सकते हैं, या फिर चीनी की जगह आप इसमें शुगर के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं शुगर फ्री टाइप के वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ 2 चम्मच मिश्री इसमें मैंने डाल दी है। मिश्री को भी हम इसमें मिक्स हो जाने देंगे यानी घुल जाने देंगे। उसके बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए दूध हमारा पूरे तरीके से अब रेडी हो गया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और दूध को हम ठंडा हो जाने देंगे। जब दूध ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दूध अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें गोद मिलाएंगे। गोद इसमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मिला रही हूँ। आप चाहें तो कम भी मिला सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। जो गोंद है इसका टेक्सचर इसमें काफ़ी अच्छा लगता है और गोंद का खुद का कोई फ्लेवर नहीं होता, इसलिए जिस भी चीज़ में इसे आप मिलाते हैं उसका ही फ्लेवर हो जाता है। तो ये देखिए मिल्क अब रेडी हो गया है। अब इसे आप चाहें तो फ्रिज में रख कर अच्छे से 1-2 घंटे ठंडा कर लें, उसके बाद सर्व करें। तो अब मैं इसे लगभग 1.5 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से चिल हो जाए, उसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो दूध को फ्रिज से हमने बाहर निकाल लिया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए कई तरह के फ़ायदे पहुंचाने वाला गर्मी में पीने के लिए ठंडा ठंडा जो दूध है वो बनकर तैयार है। कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करे गर्मियों में तब आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशमेंट देने वाला और एनर्जी देने वाला ड्रिंक होता है। तो देखा ना आप लोगों ने ये कितना ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।